2021 का 15th मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों में जबरदस्त शुरुआत रहा ओपनर्स द्वारा। ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बौछार किए। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 42 गेंदों में 64 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में पैट कमिंस को कैच देकर आउट हुए और फा डुप्लेसिस भी जबरदस्त बल्लेबाजी किए। वे अपना अर्धशतक पूरा किए और 5 रन के लिए अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वे केवल 60 गेंदों में 95 रन बनाकर अजय रहे। ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरने के बाद उतरे मोइन अली शानदार बल्लेबाजी करके फाफ डुप्लेसिस के साथ 50 रनों की साझेदारी निभाए। वे 12 गेंदों में 208.33 स्ट्राइक रेट के साथ 25 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंदबाजी में दिनेश कार्तिक द्वारा स्टंप आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कप्तान MS धोनी। वे अच्छी बल्लेबाजी करके फा डुप्लेसिस के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 8 गेंदों में 212.50 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर एंडर रसल की गेंदबाजी में यॉन मॉर्गन को कैच देकर आउट हुए। और आखिरी ओवर्स में उतरे रविंद्र जडेजा 600 स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती द्वारा शुरुआत किया गया। वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए। पैट कमिंस अपने 4 ओवर में 14.50 इकोनॉमी रेट के साथ 50 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। सुनील नरेन अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 8.50 इकोनॉमी रेट के साथ 39 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने मोइन अली। प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 4 ओवर में 12.25 इकोनॉमी रेट के साथ 49 रन दिए। एंडर असल अच्छी गेंदबाजी करके 2 ओवर में 13.50 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने MS धोनी। और कमलेश नगरकोटी 2 ओवर में 12.50 इकोनॉमी रेट के साथ 25 रन दिए। फाफ डुप्लेसिस जबरदस्त बल्लेबाजी करके केवल 60 गेंदों में 158.33 स्ट्राइक रेट के साथ 95 रन बनाकर अजय रहे। वे केवल 5 रन के लिए अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर कमाल की बल्लेबाजी करके 115 रनों की साझेदारी बनाए, फिर मोइन अली के साथ 50 रनों की साझेदारी बनाए और धोनी के साथ 36 रनों की साझेदारी बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बौछार किए। वे सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए और IPL में उनका 5वां अर्धशतक पूरा हुआ और इस सीजन का पहला अर्धशतक। वे पिछले मैचों में जल्द आउट हो गए, लेकिन इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करके टीम स्कोर को आगे बढ़ाए। वे फाफ डुप्लेसिस के साथ 115 रनों की साझेदारी बनाए। वे 42 गेंदों में 152.38 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 64 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में पैट कमिंस को कैच देकर आउट हुए। मोइन अली शानदार बल्लेबाजी करके फाफ डुप्लेसिस के साथ 50 रनों की साझेदारी बनाए। वे 12 गेंदों में 208.33 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर सुनील नरेन की गेंदबाजी में दिनेश कार्तिक द्वारा स्टंप आउट हुए। वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 6.75 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने ऋतुराज गायकवाड़। 221 रनों का भारी लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज का शुरुआत खराब रहा। नीतीश राणा केवल 9 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंदबाजी में MS धोनी को कैच देकर आउट हुए और शुभमन गिल भी बिना कोई रन बनाए दीपक चाहर की गेंदबाजी में लुंगी नकदी को कैच देकर आउट हुए।
तीसरे स्थान पर उतरे राहुल त्रिपाठी भी नहीं टिक पाए। वे केवल 8 रन बनाकर लुंगी नकदी की गेंदबाजी में एमएस धोनी को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे कप्तान यॉन मॉर्गन भी इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 7 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंदबाजी में एमएस धोनी को कैच देकर आउट हुए। पांचवे स्थान पर उतरे सुनील नरेन भी केवल 4 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। छठे स्थान पर उतरे दिनेश कार्तिक अच्छी बल्लेबाजी करके 24 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर लुंगी नकदी की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। सातवें स्थान पर उतरे एंडरसन शानदार बल्लेबाजी करके 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए। वे 22 गेंदों में 54 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। रसल के बाद उतरे पैट कमिंस शानदार बल्लेबाजी करके दिनेश कार्तिक के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 34 गेंदों में 66 रन बनाकर अजय रह के अपना अर्धशतक पूरा किए। दिनेश कार्तिक के बाद उतरे कमलेश नगरकोटी बिना कोई खाता खोले लुंगी नकदी की गेंदबाजी में फाफ डुप्लीसिस को कैच देकर आउट हुए। दसवें स्थान पर उतरे वरुण चक्रवर्ती बिना कोई रन बनाए रन आउट हुए। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 18 रनों से शानदार जीत हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरुआत किया गया। दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट लिए। सैम करन शानदार गेंदबाजी करके 4 ओवर में 14.50 इकोनॉमी रेट के साथ 58 रन देकर 1 विकेट लिए। भले वे एक्सपेंसिव रहे लेकिन डेंजरस रसल को आउट किए। लुंगी नेगदी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए और शार्दुल ठाकुर 3.1 ओवर में 15.16 इकोनॉमी रेट के साथ 48 रन दिए। दीपक चाहर शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने नीतीश राणा, शुभमन गिल, यॉन मॉर्गन और सुनील नरेन। वे इन सभी का विकेट लेकर KKR को पीछे रखे। एंड्रू रसल शानदार बल्लेबाजी करके चौके छक्कों की बरसात किए। वे केवल 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किए। वे दिनेश कार्तिक के साथ 81 रनों की साझेदारी बनाए। वे 22 गेंदों में 245.45 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। पैट कमिंस जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए। वे दिनेश कार्तिक के साथ 34 रनों की साझेदारी बनाए। वे 34 गेंदों में 194.12 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 6 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर अजय रहे। दिनेश कार्तिक शानदार बल्लेबाजी करके पहले एंड्रू रसल के साथ 81 रनों की साझेदारी बनाए, फिर पैट कमिंस के साथ 34 रनों की साझेदारी बनाए। वे 24 गेंदों में 166.67 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर लुंगी नकदी की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। लुंगी नकदी शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक और कमलेश नगरकोटी।